बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है? उम्मीद है कि तुसी खैर तनाव होगे, अल्लाह तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। जल्दी ना मेरे चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर लाजमी करो। बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी रेसिपी, बड़ी ईजी, कोई ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी लैके आई हूँ। मसर चावल, ये वाली मेरी रेसिपी तुसी अपने हर रिश्तेदार दोस्त जानने वाले शेयर करो, जी कि हर कोई एडी ईजी एडी मज़ेदार रेसिपी बना के खाए। चलो जी शुरू करने आज का ब्लॉग। मसर जेड़े मैं पहले भिओंग रख ले से, पहले नरम हो गए ने मसर जेड़े ने, ये खुले पानी च रखी देने क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेंदे ने जरा पकन च। एक टमाटर पावांगे, एक गंढी जेड़ी है थूम दे छिलक पाता सबूता ही, उन्होंने कटना नहीं है, साबा ही पाना। रेड मिर्च, हल्दी, नमक, सबे जायका, और उसे थले अग बाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान तकरीबन तकरीबन दाल साड़ी हो गई है तैयार। देखो हर चीज़ है, गल भी टमाटर थूम डाल चुके हैं। आधा ने सिर्फ डेकोरेशन वास्ते तीन मिर्चा में पातियां ने, थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी दाल है, ये ना कोई प्याज है ना थूम। दाल साड़ी तकरीबन तकरीबन तैयार हो गई है, बस है थोड़ा जहा होर इसे पकावे, थोड़ा जहा होर इसे पकावे, यानी कि इस तुम बेहतर हो जाएगा। देखो थूम भी गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, दाल भी गल चुकी है, थोड़ी देर होर पकाना। ये ना मैं प्याज पाया, ना मैं ये अदरक पाया, ना कोई होर मसाला पाया, सिर्फ नमक मिर्च थूम। एक टमाटर तुहाडे सामने पाया, फिर भी तुसीं देखना इन्नी मज़ेदार इन्नी टेस्टी जिहड़े साडी रेसिपी होनी है। साडा जिहड़े मसर ने ये असं चावल पकावे, साढ़े घर के मसर चावल पक्के हो तो चिरगे भी कोई मूँह नहीं लाता, ना कोई कढ़ाई खाता। थोड़ा जहाँ असी डोई देना हल्का हल्का, जिस तरह कुटा लैश करा जोड़ा साढ़ा थूम वगैरह जोड़ा थूम साड़ा जोड़ा ये फिस जाएगा। हम अस ये जोड़ा पत्तनी है कि खूबसूरत हरा हरा ये पा दे। हम अगला स्टैप बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार जिन्हें साड़ी दाल नू इस तो ज़्यादा टेस्टी कर दे, वो की है? चलो जो तुम वेखो तुम पता चलेगा कि बाकी आप बनाने कमाल किया। दाल के चुल्हे ते मैं फ्राई पैन रख लिया और मरला दाल नू तड़का ला दा। फ्राई पैन मैं देसी घ्यो पा लिया, जिन्हें होर ज़्यादा साड़ी दाल का जायका बढ़ा देना। बिस्मिल्लाह, मैं छे तुरियां लिया थूम दियाँ, जेड़े मैं इस तरह कट लिया चौक कर लिया, इन हम ब्राउन करना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थूम की, देसी घ्यो की थूम की, जबरदस्त माशाल्लाह। थूम मेरा ब्राउन हो चला, जिदे को देसी घ्यो ना हो बे, वो कोई भी घ्यो जरा को है वे वो इस्तेमाल कर सकता, जरूरी नहीं कि देसी घ्यो ही हो गए तो फिर ही है। मेरे को ऐसे मैं इस्तेमाल कर लिया, अगर तेरे को नहीं तो तुम दूसरा जरा घ्यो रेगुलर अपनी हांडी इस्तेमाल कर रहे जो ही कर सकते, कोई टेंशन वाली गल नहीं। और जी थूम हो गया ब्राउन, मैं हांडी पा दूँ। देख रहे हो तुरियां सबूतियां भी कितनी खूबसूरत लग रही ने, तो जिहड़ी मैं ब्राउन कीतियां ने वह भी कितनी प्यारियां लग रही। तुसीं हांडी दे लुक दे के दस सकते हो कि आपां बनाने किन्ने मज़ेदार मसर पकाए ने। हुण चलिए चावलां वल,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਰੈਸਪੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ। 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭਿਗੋ ਲਵਾਂ। ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ 1/2 ਚਮਚ ਘੱਟ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਲਦੀ, ਇਹਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਵਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਢੱਕਣ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।